Good morning, students. Today's subject is grammar. Okay. In the last lecture, we tried to understand what are the kinds of sentences. Sentences क्या कौन से होते हैं ये हमने जाना. There are four types of sentences. That is exclamatory sentences, interrogative sentences, assertive sentences, and imperative sentences. These all we learn the types of sentences in the last lecture, that was on last Friday. Today we are going to learn kinds of noun. Now how many kinds of nouns are there? We will try to understand it in this lecture. See here, kinds of noun. See, there are five types of noun. One is common noun, proper noun, abstract noun, collective noun, and material noun. I hope you might remember the last year also you were learning these types of nouns. I hope you remember, but we will revise again it. A common noun is a noun, common name given to a person or a thing of the same kind. मतलब कॉमन नाउन ऐसे शब्द होते हैं जो नॉर्मली पर्सन को दिए जाते हैं, कॉमन नेम ऑफ अ सेम काइंड. जैसे तुम लोग स्टूडेंट्स लोग हो, देर आर मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, वी डोंट स्पेसिफाई हु नेम ऑफ दैट चाइल्ड. हम लोग क्या बुलाते हैं, दिस आर द फिफ्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, दिस आर द सिक्स्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, यू स्टूडेंट्स, ऐसे कॉमनली आप लोगों को हम लोग बुलाते हैं स्टूडेंट करके. विलेज, यर एग्जाम्पल इज गिवन विलेज. हम लोग स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं कि कौन सा विलेज है, नाम नहीं दिया जा रहा, सिर्फ हम ये बोल रहे हैं कि वो एक गांव है. हॉस्पिटल, हियर अगेन द नेम इज नॉट गिवन फॉर द हॉस्पिटल. शिप, तो दिस इज द वर्ड्स गिवन कॉमनली फॉर द कॉमन थिंग्स. ओके, जैसे डॉक्टर्स, वी डोंट स्पेसिफाई व्हाट टाइप ऑफ डॉक्टर. डॉक्टर्स तरह तरह के होते हैं, डेंटिस्ट होते हैं, ऑर्थोपेडिक होते हैं, न्यूरोसर्जन होते हैं, पर हम लोग ये नहीं बताते कि कौन सा डॉक्टर. हम लोग नॉर्मली बोलते हैं हमने डॉक्टर के पास गया था, दैट इज द डॉक्टर इज अ कॉमन. टीचर, टीचर इज ऑल्सो ए कॉमन नाउन. वी डोंट स्पेसिफाई द पर्सन हु व्हाट इज अ हर नेम. हम लोग नॉर्मली बोलते हैं वो टीचर है. तो दैट वर्ड्स आर कॉल्ड एज टू बी अ कॉमन नाउन. Now what is proper noun? Proper noun is a special name given to a particular person or thing. It always begins with the capital letter. Proper noun ek special name hai. Abhi I am teaching you English. You know my name. My name is Lata. To Lata ye kya hai, ek proper noun hai. Yeah, in the teacher's name is something different. Kavita ya Sharmili, whatever. The name that is called as to be a proper नाम. ये नाम लेने से आपको क्या होता है, आपको पता चलता है कि कौन इंसान है, आपके आंखों के सामने उस इंसान का चेहरा आ जाता है. तो द नेम गिवन मिस्टर गुप्ता, इससे हमें पता चलता है कौन गुप्ता, कौन किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. ताजमहल, इफ वी से ताजमहल, यू कैन सी द फेस ऑफ द पिक्चर ऑफ द ताजमहल. जुपिटर, दिस आर द नेम्स गिवन, दिस नेम्स आर कॉल्ड टू बी अ प्रॉपर नाउन. इसे हमें समझ में आता है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं. नाउ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम गिवन टू द क्वालिटी, फीलिंग्स, एक्शंस एंड स्टेट. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, क्वालिटी, किसी इंसान का क्वालिटी. हम अगर इज ए गुड पर्सन, गुड क्या है, वो पर्सन का क्वालिटी बताता है. फीलिंग्स, फीलिंग्स उसका एक्सप्रेस, इज एंग्री, इज सैड, इज अनहैप्पी, दिस इज आर वॉट ये फीलिंग्स है. तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, आपका क्वालिटी बताता है, गुड है, बैड है, वर्स्ट है, वॉट एवर इट इज, इट इज टू बी एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. फीलिंग्स, वॉट आर द फीलिंग्स. एक्शन, एक्शन भी होता है और स्टेट्स. जैसे ऑनेस्टी, आई सेड इज ए ऑनेस्ट पर्सन, क्या है वो इंसान का क्वालिटी बताता है कि वो बहुत ईमानदार इंसान है. ई लव्स एवरीबडी, इज लवेबल पर्सन, मतलब उसका फीलिंग्स बता दी. ई लव एनिमल्स, तो क्या करते हैं वो एनिमल्स को लव करते हैं, तो उसका फीलिंग्स एक्सप्रेस किया जाता है. एनर्जी एंड चाइल्डहुड, दिस आर ऑल कॉल्ड टू बी एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन.
नाउ फोर्थ पॉइंट इज द कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन इससे आप लोगों को पता चलना है व्हाट डू मीन बाय कलेक्टिव. दैट इज अ कलेक्शन ऑफ द थिंग्स वॉट एवर इट इज. ए कलेक्टिव नाउन इज अ ग्रुप ऑफ ग्रुप नेम गिवन टू ए कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग्स. कलेक्टिव नाउन क्या है? इट्स अ ग्रुप नेम गिवन टू द कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग. जैसे काफी सारे भीड़ होते, काफी मेनी पीपल्स आर क्राउडेड ओवर देयर, वी विल से दैट से क्राउड. क्राउड बोलने से हमें क्या समझ में आता है? लोगों की भीड़. हर्ड, दिस इज हर्ड ऑफ द एलिफेंट एंड ऑल. जंगल में काफी सारे एलिफेंट्स घूम रहे, तो वी वोंट से द मेनी एलिफेंट्स, वी विल से द हर्ड ऑफ एलिफेंट. बंच ऑफ फ्लावर्स, बंच ऑफ ग्रेप्स, नॉट ए सिंगल वन. मतलब इसे ग्रुप में होते फ्लावर्स, बहुत सारे फ्लावर्स है, तो हम लोग बंच ऑफ फ्लावर्स बोलेंगे, बुके ऑफ फ्लावर्स या बंच ऑफ ग्रेप्स. ग्रेप्स एक नहीं होता, हम लोग उठा देते, बंच होता है. फ्लीट, दिस इज द बर्ड्स. व्हेन द बर्ड्स फ्लो, मेनी बर्ड्स आर फ्लाइंग ऑन द स्काई, वी सेड द फ्लीट. ओके, तो इट इज ए कलेक्टिव नाउन. मतलब ग्रुप होता है लोगों की भीड़, जानवरों की, वॉट एवर इट इज, इट इज ए कलेक्टिव नाउन. नाउ द फिफ्थ पार्ट इज द मेटेरियल नाउन. ए मेटेरियल नाउन इज द नेम गिवन टू द मेटेरियल थिंग्स सब्सटेंस और आइटम्स ऑफ फूड और ड्रिंक. मेटेरियल नाउन इज द नेम गिवन टू द मेटेरियल थिंग्स सब्सटेंस. ये मेटेरियल नाउन क्या होता है? सब्सटेंस, चीजों का के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं. जैसे कॉटन, ये चीज है. टी इज ऑल्सो अ थिंग मेटेरियल. कॉपर, मेज, दिस आर ऑल अ मेटेरियल. सो वी दिस कॉल्ड टू बी अ मेटेरियल. नाउ आइटम्स ऑफ फूड और ड्रिंक, यानी खाने वाले आइटम्स जो होते हैं या पीने वाले, जिसे हम लोग नाप तोल नहीं करते हैं, कॉटन, दे आर कॉल्ड टू बी अ मेटेरियल. सो व्हाट यू लर्न टुडे, इट इज काइंड्स ऑफ नाउन. देर आर फाइव काइंड्स ऑफ नाउन्स: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड मेटेरियल नाउन. वी ऑल्सो केम टू नो द एग्जाम्पल्स गिवन फॉर ईच ऑफ इट. कॉमन नाउन मीन्स द कॉमन नेम गिवन टू द पर्सन, दैट इज स्टूडेंट, विलेज, टीचर, हॉस्पिटल, डॉक्टर, शिप. ओके, प्रॉपर नाउन इज द नेम गिवन टू द पर्सन और थिंग एंड इट स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर. ये हमेशा याद रखना चाहिए, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर में ही होता है. अगर वो सेंटेंस के बीचों बीच भी वो अगर वो नाम आता है, तब भी उसका फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल में ही होगा. एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इट इज दैट आई सेड द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन. उसकी क्वालिटी, उसकी फीलिंग्स, उसके एक्शन जो एक्सप्रेस करते हैं, उसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं. ए कलेक्टिव नाउन इज अ ग्रुप नेम गिवन टू द कलेक्शन. और कलेक्टिव नाउन क्या होता है? ग्रुप होता है पर्सन के लिए या थिंग्स के लिए. क्राउड जैसे मैंने बताया, ये लोगों की भीड़ के लिए होती है. हर्ड, हर्ड ऑफ एलिफेंट्स का. नाउ मेटेरियल नाउन इज द मेटेरियल थिंग्स सब्सटेंस ऑफ द आइटम्स ऑफ फूड और ड्रिंक, यानी वो सब्सटेंस जो हम लोग खाते हैं या पीते हैं. जैसे कॉटन हो, टी हो, कॉपर हो, मेज है, वी डोंट, मतलब उसको मोल तोल हम मापते नहीं है उसको, वो सब चीजें के. अगेन इट इज डिवाइडेड सम ऑफ दैट काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं. काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिसे हम काउंट कर सकते हैं. सॉरी फॉर दैट, जैसे मैंगो हो हम लोग काउंट कर सकते, कॉइन्स हो कॉइन काउंट कर सकते हैं. देर आर थ्री डॉक्टर, देर आर देर इज वन ऑक्स, फ्यू कॉइन्स. एंड अनकाउंटेबल चीज वो होती है जिसे हम गिन नहीं सकते हैं. जैसे शुगर हो, राइस हो, हम लोग क्या करते हैं उसको ऐसे उठा डालते हैं, उसको काउंट करना इट इज वेरी डिफिकल्ट. वी विल अगेन लर्न दिस थिंग्स विल डीपली इन द नेक्स्ट लेक्चर अबाउट काउंटेबल एंड नॉन अनकाउंटेबल. सो दिस इज वॉट वी हैव डन इन दिस लेक्चर. आई होप यू अंडरस्टैंड. सम असाइनमेंट विल बी गिवन टू यू एंड यू विल हैव टू डू. और एक बात और है, ऑन सैटरडे यू विल बी हैविंग द टेस्ट ऑफ इंग्लिश फर्स्ट लेसन एंड द लिटिल पार्ट ऑफ द ग्रामर. द क्वेश्चन विल बी प्रोवाइडेड टू यू ऑन दैट डे ओनली एंड यू हैव टू सॉल्व दैट क्वेश्चन एंड सबमिट इन द ग्रुप. तो सैटरडे को आपका इंग्लिश का और इंग्लिश ग्रामर टोटली दोनों मिला के एक टेस्ट होगा आपका छोटा सा, जिसको आपको करना है.
इंग्लिश का लेसन नंबर फर्स्ट का होगा, और ग्रामर का जो पोर्शन मैंने भी सिखाया काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस एंड काइंड्स ऑफ नाउन, इसका थोड़ा आपको दिया जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट, प्रिपेयर कर लीजिए सैटरडे के लिए अपने टेस्ट के लिए। थैंक यू।